दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सलून बिजनेस ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ब्यूटी स्कूल पर। ब्यूटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर पैशन हो, आपके अंदर जुनून हो कुछ करने का। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, लेकिन फिर भी आज वो लाखों की कमाई कर रहे हैं। दोस्तों टेक्निकल स्किल आप सभी ने सीखा होगा, आप सभी को बहुत अच्छा फेशियल, मेकअप, हेयर कटिंग कुछ सब कुछ करना आता होगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्ट स्किल का मतलब ये होता है कि जब भी आपका क्लाइंट आपसे मिलता है तो वो बिल्कुल आपसे प्रभावित होना चाहिए। आपकी भाषा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप बात करते हैं तो आपकी आवाज इतनी साफ और क्लियर होनी चाहिए कि आपकी क्लाइंट को सुनाई दे। दोस्तों जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। जब भी आप बात करें अपने क्लाइंट से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात करें, आपका कॉन्फिडेंट ही क्लाइंट को कॉन्फिडेंट देगा। दोस्तों आप बहुत ध्यान दें कि क्लाइंट जब आपके पास आता है तो आप उनकी बातों को सुनें, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्लाइंट आखिर चाहता क्या है। क्लाइंट की विश जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों एक बार अगर आपने काम नहीं किया, आपका क्लाइंट वापस चला जाएगा तो फिर वो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर एक बार आपने काम खराब कर दिया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। कुछ भी करने से पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करिए। चाहे आप फेशियल करते हो तो आप उसकी जानकारी रखिए कि इस फेशियल में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब क्या क्या पड़ा हुआ है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, इसको किस किस तरह के स्किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने के बाद इस फेशियल में क्या रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं।